दोस्तों, मारवाड़ की धरती अपने आप में एक गौरव गाथा है। यहाँ बड़े बड़े शूरवीरों ने जन्म लिया है और यहाँ की मिट्टी को अपने मस्तक का टीका लगाकर दुनिया को अपने पराक्रम का परिचय दिया है। यहाँ के रीति रिवाज और मेहमान नवाजी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सूर्यवंशियों ने यहाँ सूर्य के समान ही शासन किया है और शासन करने के साथ साथ उन्होंने अद्भुत महलों, हवेलियों, मंदिरों और कलाकृतियों का निर्माण भी करवाया है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक दुनिया के सबसे ऊंचे किले जिसका नाम भी उसके निर्माण को सार्थक करता है, मेहरानगढ़ किला जोधपुर। सब ही गढ़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनंड पहाड़ा ऊपरे जबरो गण चौधान। जोधपुर, जिसे दुनिया ब्लू सिटी के नाम से जानती है, वो ब्लू सिटी जहाँ तत्कालीन हिंदू विशेष लोगों ने खुद को विशेष दिखाने हेतु अपने मकानों को नीले रंग में रंगना चालू कर दिया और आज भी वो प्रथा चली आ रही है। सन 1459 में राठौड़ राजा राव जोधा ने मेहरानगढ़ के किले का निर्माण चालू करवाया। उन्होंने भाकड़ चिड़िया नाम के एक विशाल पहाड़ जो कि 400 फीट ऊंचा था और एक सुप्त ज्वालामुखी था चुनाव किया और उसे मेहरानगढ़ के लिए उपयुक्त माना। अब दुविधा थी इतने विशाल पहाड़ पर किला बनवाना। उसके लिए उन्होंने वहीं के स्थानीय खंडवलिया समाज के कारीगरों को चुना और फिर शुरू हुई मानव और पहाड़ के बीच महाजंग। और खंडवालियों ने उस विशाल पहाड़ को तोड़कर उसको आकार दिया। अब दूसरी दुविधा थी उस पहाड़ पर लाखों टन पत्थर और निर्माण सामग्री पहुंचाना और इसके लिए चुना गया चवालियों को, जिन्होंने लाखों टन पत्थर उस विशाल पहाड़ पर चढ़ाया। लगभग 500 मीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा ये किला 300 फीट ऊंचा बनाया गया और इसे सिर्फ राजशाही लोगों के लिए ही नहीं अपितु सेना के आश्रय और इस किले को दुश्मन से बचाने के हिसाब से बनाया गया। किले की दीवारों की मोटाई 23 मीटर तक रखी गई ताकि तोप के गोलों का असर भी लगभग नाक के बराबर हो। लगभग 5 सदियों में 25 से ज़्यादा राठौड़ सूर्यवंशियों ने इस महान किले पर शासन किया और आश्चर्यजनक रूप से अगर देखा जाए तो ये किला एक ताकतवर मर्द के समान था, जिसका मजबूत शरीर होने के साथ साथ दिल उतना ही नरम था। अर्थात इस किले का बाहरी ही नहीं अंदरूनी खूबसूरत होना भी है। इस किले में अनेकों बाग, शानदार कलाकृतियां भी हैं, मगर कहते हैं हर एक खूबसूरत चीज बलिदान भी मांगती है। राठौड़ सूर्यवंशी केसरिया रस्म भी मानते थे। जब उन्हें लगता था कि वे दुश्मन से पराजित हो सकते हैं तो वे बजाय घुटने टेकने के शान से मरना पसंद करते थे। इस रस्म के अंतर्गत वो अपने सतरंगी पग को छोड़कर केसरिया साफा बांध लेते थे। अपने अंतिम युद्ध के लिए अपने सभी शूरवीर योद्धाओं को नशीली दवा का सेवन कराया जाता था ताकि वे वापस आने का ख्याल मन में भी ना लाएं। और अंत में सभी की तलवारों को तलक किया जाता था। त्याग, बलिदान और वफादारी का 17वीं शताब्दी में गंगवाना के युद्ध में जाने से पहले भी सभी सूर्यवंशियों ने इसी परंपरा का निर्वहन किया और अपने पराक्रम से इस सूर्य महल को अमर कर दिया। ये थी कहानी मेहरान सूर्यगढ़ किले की। आशा करते हैं आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों से शेयर करें अपने इस महान इतिहास को। मिलते हैं बहुत जल्दी चैनल पर। अगले नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही अद्भुत कहानियां आप लोगों के लिए आती रहेंगी।